फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही रहा आपका, हेल्प मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हेल्थ पावर है क्या है यहाँ पर, हेल्प मैन पावर किस की तरफ इंडिकेट करेगा, डॉक्टर 1 पर 3,500 पॉपुलेशन, ANM 1 पर less than 1,000 पॉपुलेशन, लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, या फिर फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कौन सा मैन पावर, मैन पावर का मतलब है कि जो हॉस्पिटल में स्टाफ है कितनी जनता पर कितना स्टाफ रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, कितना मैन पावर होगा कितनी जनता पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा लैब टेक्नीशियन जो कि 10,000 जनता पर रहेगा। ये देखिए जो नॉर्म सजेस्ट करते हैं आपके हेल्थ मैन पावर को लेके कि कितने लोगों की जो ज़रूरत है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, तो यहाँ पर जो नॉर्म सजेस्ट किए गए अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स, और यहाँ पर जो हेल्थ मैन पावर पूछा है तो क्या है, एक लैब टेक्नीशियन 10,000 पॉपुलेशन के बीच में अपॉइंट किया जाएगा। ऐसे होता है कि जैसे आपकी मान लो नर्सिंग की भर्ती निकली है तो आपको ऐसा नहीं ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग करवा दी जाए, वो रहता है बेस्ड ऑन जनता, वहाँ पर कितनी जनता है और क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर होता है 1,000 जनता के बीच में, कितनी 1,000 जनता होता है 1,000 पॉपुलेशन के बीच में अपॉइंट किया जाएगा। फिर नर्स, तो एक स्टाफ नर्स की पोस्टिंग होगी 500 पॉपुलेशन के बीच में, कितना 1 पर 500 पॉपुलेशन। आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्टाफ पैटर्न पढ़ा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नर्सेस को अपॉइंट किया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ की जनता ही कितनी होती है 1,20,000 तक जनता होती है एक CSC में। वैसे फिर आता है आपके हेल्थ वर्कर, इसमें मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं, 1 पर 50,000 पॉपुलेशन इन प्लान एरिया एंड 3,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एरिया और हिली एरिया। तो एक फीमेल हेल्थ वर्कर अपॉइंट और मेल हेल्थ वर्कर अपॉइंट किया जाएगा। फिर आते हैं हेल्थ असिस्टेंट, तो हेल्थ असिस्टेंट जो 10th पास वाले लोग एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पर वो हैं, जो कि 30,000 पॉपुलेशन प्लान एरिया में, 20,000 है ट्राइबल हिली एरिया के बीच में। फिर फार्मासिस्ट, तो एक फार्मासिस्ट को 10,000 पॉपुलेशन के बीच में अपॉइंट किया जाता है। लैब टेक्नीशियन वो भी 10,000 पॉपुलेशन के बीच में रहेगा। आंगनवाड़ी वर्कर 400 से 800 के बीच में, और आशा एक है जो एक आशा 1,000 पॉपुलेशन को कवर करेगी। और जो ट्रेंड दाई होती है वो 1 पर ब्लेज। तो यहाँ पर क्या हो गए, नॉर्म्स हो गए जो सजेस्ट करते हैं कि क्या हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ मैन पावर और हेल्थ वर्कर हैं कितनी जनता के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से, तो एक डॉक्टर के बीच में, सॉरी एक 1,000 जनता के बीच में एटलीस्ट एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, फंक्शंस ऑफ PHCR, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या काम है, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग एंड रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फंक्शंस ऑफ PHC क्या हैं, PHC के सभी काम हैं, PHC के सभी काम हैं। देखिए यहाँ पर आप लिस्ट दी हुई है सीधा कि जो अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन किए गए थे, इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल केयर दी जाएगी, MCH केयर मतलब मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को भी ऐड किया गया था, सेफ वाटर सप्लाई बेसिक सैनिटेशन दिया कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज़, जो लोकल डिसीज़ है एंडेमिक डिसीज़ है उसी एरिया में फैल रही हैं उसकी केयर की जाएगी, आपकी वाइटल स्टेटिक्स कलेक्ट किए जाएंगे, एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि रेलेवेंट है ज़रूरी है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, रेफरल सर्विसेज PHC में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा तो CSC के लिए रेफर किया जाएगा, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये सब क्या है, PHC के फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड, एक फीमेल हेल्थ वर्कर के क्या फंक्शन है, विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो एक फीमेल हेल्थ वर्कर क्या कर सकती है, तो फीमेल हेल्थ
फीमेल हेल्थ वर्कर का जो यहाँ पर फंक्शन होगा कि 50% तक डिलीवरी कंडक्ट करवाना, डिलीवरी कंडक्ट नहीं करना है यहाँ पर। 50% डिलीवरी का मतलब है कि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक ले जाने का काम फीमेल हेल्थ वर्कर कर सकती हैं। और जब इवन सब सेंटर में कोई अवेलेबल नहीं होता है और इन केस एक फीमेल हेल्थ वर्कर एनएम अपॉइंट है तो वो डिलीवरी करवा सकती है, उसको इतना ट्रेंड किया जाता है कि इमरजेंसी में वो ये कर सकती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट, तो सभी जिम्मेदारियाँ स्टेट गवर्नमेंट की हैं हेल्थ को लेके किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर इन देयर बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक राज्य सरकार की हेल्थ के प्रति वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर कुछ एडल्ट्रेशन मिलावट वाला है, कुछ भी होता है तो वो भी एक राज्य सरकार देखेगी। कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती है वहाँ पर तो उसको भी कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। लेकिन रिसर्च करने का काम, ये रिसर्च करने का काम किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग स्टेट है जो इंक्लूड रहेंगे, तो यहाँ पर यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो होगी प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर बॉडीज। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर में? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव इंक्वायरी, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के नए कॉन्सेप्ट में क्या है, तो वो है यहाँ पर क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है क्वालिटेटिव इंक्वायरी? डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन प्राइमरी हेल्थ केयर पहले से ही था कॉन्सेप्ट में थे, लेकिन नया क्या है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इज आर द जॉब ऑफ हेल्थ वर्कर मेल, हेल्थ वर्कर मेल की क्या क्या जॉब हो सकती हैं? स्पूटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। मेल हेल्थ वर्कर की ये सभी जिम्मेदारी हो सकती हैं। स्पूटम भी कलेक्ट कर सकता है, ORS डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डॉट्स थेरेपी जो दी जाती है किसी भी पर्सन को तो एक ऑब्जर्वेशन में दी जाती है, वो ऑब्जर्वेशन एक ANM और हेल्थ वर्कर कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको लेटेंट फेज की जगह एक्टिव फेज पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन फेज पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेबर की स्टेज, और यहाँ पर पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि लेटेंट फेज में, लेटेंट फेज में सर्विक्स कितनी डायलेट होगी? 0 to 3 centimeter, इतनी 0 to 3 centimeter। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यदि आपको एग्जाम में आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का मतलब होगा कि जो लेबर पेन आप चाहे लेट लें, बैठ जाएं, उठ जाएं, बट वो कम नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साथ साथ सर्विक्स का डायलिटेशन देखने को मिलेगा, जो कि सर्विक्स टोटल फुली 10 centimeter डायलिट होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे और स्ट्रॉन्ग लाने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एग्जाम में आपको आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की तीन फेज हैं, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि सर्विक्स ट्रू लेबर पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सर्विक्स 10 centimeter तक डायलेट हो जाती है। लेकिन इसको भी तीन फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है लेटेंट फेज, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे माइल्ड आएंगे, शॉर्ट होंगे, कम टाइम के लिए होंगे, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 centimeter तक है जो डायलेट होगी और इसका जो आवर है, ड्यूरेशन है कितना होगा? 6 to 8 hours तक। फिर आती है एक्टिव फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग आएंगे, पहले माइल्ड रहेंगे जो कि कितना रहेगी? 6 to 8 hours तक चलेगी। लेकिन जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कौन सी फेज है? एक्टिव फेज है, जिसमें सर्विक्स 4 to 7 centimeter डायलेट होगी। नली पैरा, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 4.5 hours, और जो मल्टी पैरा है उनमें 2.5 hours है जो टाइम लगेगा। फिर आती है ट्रांजिशन फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट रहेगी इसमें, सर्विक्स 7 to 10 centimeter जो कि फुली डायलिटेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की बात हो, लॉजी एग्जाम में आएगी आपकी, क्लियर हो गई हो।
नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल एफ एच आर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो फीटल हार्ट रेट है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट है जो कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट, 160 से 170 बीट पर मिनट, मोर देन 160 बीट पर मिनट या फिर लेस देन 120 पर मिनट। होगी फीटल हार्ट रेट होगी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, यदि आपको पूछते हैं जनरली कितनी होती है, 120 टू 160 कितनी होती है, 120 टू 160 नॉर्मल एफ एच आर होगी, लेकिन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो कितनी होगी, थोड़ा है जो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो क्या होगा, 110 से 160 बीट पर मिनट। कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन में एफ एच आर होगी है, यदि आपको एग्जाम में आता है। और यदि नॉर्मल एफ एच आर पूछें तो कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट। और टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, ये फीटल की बात हो रही है यहाँ पर, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें यदि बात करें हम, या फिर जो फीटल हैं उनमें बात करें, तो हम फीटल ड्यूरेशन में जो टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया कंसीडर करेंगे, तो जब फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट पर मिनट जाएगी, दैट मीन्स क्या है, टैकीकार्डिया, और लेस देन 110 बीट पर मिनट जाएगी, 110 से कम जाएगी एफ एच आर, तो ब्रेडीकार्डिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया आ सकते हैं आपको, स्पेशली फीटल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि यही एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में टैकीकार्डिया कब कहेंगे हम, मोर देन 100 बीट पर मिनट हो पल्स, और ब्रेडी का मतलब होगा लेस देन 60 बीट पर मिनट, बट यदि फीटल ड्यूरेशन में पूछे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुड कंसिडर्ड, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कंसिडर कब किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि सर्विक्स डायलेट होती है, ऑप्शन है यहाँ पर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल टू आवर ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर आपकी चारों स्टेज क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। तो सेकेंड स्टेज हम कब कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेकर सर्विक्स डायलेट होने तक की जो पूरा टाइम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। अब जब सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा, तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बर्थ ऑफ द बेबी की जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, क्या होगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होगा कि प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेके टू आवर तक जो हम ऑब्जर्व करेंगे लेडी को, बच्चे को, वो फेज क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेशनरी फेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर चारों स्टेज, इन चारों ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि सेकेंड फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल डायलेटेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके टू लेबर पेन से लेके सर्विक्स डायलेट तक फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है फुल डायलेटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज, और बेबी एक्सपल्सन स्टेज किसको कहा जाता है, सेकेंड स्टेज को, सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज को कहा जाता है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको कहा जाता है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। फिर आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेकर दो घंटे तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज, नॉर्मल लेबर इज द प्रोसेस वाई विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस एक्सपेल्स द फीटस एंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। अब नॉर्मल लेबर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटोकिया, क्या कहेंगे, यूटोकिया। तो ये नॉर्मल लेबर जो प्रोसेस है इसमें ग्रेविड यूट्रस कितने वीक का फीटल कॉन्सेप्शन है जो एक्सपेल करेगी, ऑप्शन में है बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिफोर 37 वीक्स जेस्टेशन, आफ्टर 42 वीक्स जेस्टेशन, या फिर आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर नॉर्मल लेबर पूछा है, तो नॉर्मल लेबर का मतलब होगा जब ग्रेविड यूट्रस कितना हो, 37 वीक से लेके 37 वीक या फिर 42 वीक, आफ्टर 37 वीक के बाद है जो ड्यूरेशन किस में आएगा, टर्म प्रेगनेंसी में, और वही क्या कहलाएगी, नॉर्मल लेबर, जिसमें यूट्रस क्या करेगी, वेजाइना के थ्रू जो नॉर्मल वेजाइना और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है वो बाहर आएगा, तो
तो ग्रेविड यूट्रस में यहाँ पर जेस्टेशनल पीरियड पूछा है तो कितना है, एलएमपी से कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, एलएमपी का फर्स्ट डे से लेके बिटवीन 37 और 42 वीक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाए तो क्या है, यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होगा एबनॉर्मल लेबर, लेकिन यूटोकिया का मतलब होगा नॉर्मल लेबर। अब यहाँ पर ग्रेविड यूट्रस की बात की जा रही है तो आपको ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि यदि नॉर्मल लेबर पूछा या फिर कंप्लीट जेस्टेशनल पीरियड पूछते हैं तो क्या है नॉर्मल में 37 to 42 वीक्स। यदि आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, 42 वीक के बाद होगी या फिर की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और यदि यही बिफोर 37 हो जाए तो क्या कहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या पढ़े हैं, फेज पढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो फेज है उनका आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में है ट्रांजिशन, लेटेंट, एक्टिव, एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट या फिर लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो करेक्ट फेज है, जो फेज है उसमें थ्री फेज होती हैं। फर्स्ट होती है लेटेंट जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी, दूसरी होती है एक्टिव जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा, लास्ट होगी ट्रांजिशनल स्टेज जिसमें 7 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। तो क्या है, तीनों फेज हो गई और इनका एक करेक्ट ऑर्डर आपको एलईटी से भी याद रख सकते हैं। यदि आपको लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन याद नहीं होता है तो लात, हिंदी में बात करें तो लात, दैट मीन्स लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज योर लेबरिंग पेशेंट हैज ट्रांजिशन टू स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर, वॉट चेंजेस इन द पेरिनियम इंडिकेट द बर्थ ऑफ द बेबी इज इमिनेंट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो पेशेंट का पेरिनियम एरिया है कि इंडिकेट करता है कि बेबी क्या है, इमिनेंट है। तो आप ऐसे में यहाँ पर आपको कौन से साइन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में है इंक्रीज इन मेकोनियम स्टैंड फ्लूड एंड रेट्रैक्टिंग पेरिनियम, रेट्रैक्टिंग पेरिनियम एंड एनस विथ एन इंक्रीज ऑफ ब्लडी सो, रैपिड एंड इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, बल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विथ एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशनल फेज ऑफ स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड फेज स्टेज ऑफ लेबर में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विथ एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो क्या होगा, सेकंड स्टेज का ट्रांजिशनल स्टेज फेज है उसमें आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग स्टेज थर्ड ऑफ लेबर, दैट मींस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यू नोट अ गस्ट ऑफ ब्लड एंड दैट इज द यूट्रस चेंजेस शेप फ्रॉम एन ओवल शेप टू ग्लोबुलर शेप, दिस इंडिकेट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में वेजाइना में और फुल गस्ट ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है आपको, यूट्रस का शेप ओवल शेप से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो एक इसका इंडिकेशन है। ऑप्शन में पोस्टपार्टम हेमरेज, एमिनेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन या फिर आंसर बी एंड सी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए और सॉरी ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लड गस ऑफ ब्लड वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा, यूट्रस का चेंज शेप है जो वो चेंज होगा ओवल से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो किसके साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन के। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात कही है तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होगा। नेक्स्ट वन इज, और यदि यहाँ पर आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी ना कहा जाता, ओनली लेबर कहते हो, कहते गस ऑफ ब्लड है देखने को मिल रहा है, यूट्रस का शेप चेंज हो रहा है, तब भी हम मार्क किसको करते, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन को। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू असेस फंडल हाइट। तो आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद जो आप फंडल हाइट कहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, एट द एक्सिफॉइड प्रोसेस, 5 centimeter बिलो द अम्ब्लाइकस, 2 centimeter अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस या फिर एट और नियर द अम्ब्लाइकस। तो यहाँ पर फंडल हाइट आप कहाँ पर असेस करेंगे आफ्टर बर्थ के, 5 centimeter बिलो द अम्ब्लाइकस, कहाँ पर, 5 centimeter बिलो द अम्ब्लाइकस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए हर एक एग्जाम में आता है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर सॉरी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मदर हैज़ डिलीवर्ड द प्लेसेंटा,
यू नोट दैट द साइनी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा वॉज डिलीवर्ड फर्स्ट. वॉट डिलीवरी मैकेनिज्म इज दिस नोन एज एंड दिस इज द मैटरनल और बेबी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है. क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है. अब प्लेसेंटा में आप क्या चीज़ें नोट करेंगे कि जो प्लेसेंटा का सरफेस है साइनी पार्ट है जो पहले डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पर एक कौन सी मैकेनिज्म है और ये प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस है. दो सरफेस होती है, मैटरनल और बेबी की. तो मैटरनल है पर बेबी की सरफेस है. ऑप्शन में डनकेन मैकेनिज्म और मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म बेबी सरफेस या फिर डनकेन मैकेनिज्म बेबी सरफेस. तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के लिए जनरली दो मैकेनिज्म यूज होती है, डनकेन और स्लड्ज. तो अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है साइनी सरफेस कब देखने को मिलेगी, जब फर्स्ट प्लेसेंटा का कौन सा है जो पार्ट डिलीवर हुआ है, बेबी वाला, करेक्ट, जब साइनी है. यदि रफ सरफेस कहते तो मैटरनल होता. और यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ पर स्लड्ज मैकेनिज्म. क्या है, स्लड्ज मैकेनिज्म. सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लड्ज मैकेनिज्म एंड बेबी सरफेस. अब यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म हम देखेंगे. स्लड्ज मैकेनिज्म में क्या है, प्लेसेंटा है जो फर्स्ट बाहर आएगा, वो भी सेंट्रल एरिया से. क्या होगा, प्लेसेंटा पहले बाहर आएगा कहाँ से, सेंट्रल एरिया से. और जो यहाँ पर जो बेबी सरफेस होगी प्लेसेंटा की, वो कैसी होगी, साइनी होगी. जो डनकेन मैकेनिज्म है इसमें पेरिफेरल वे से क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा. और यहाँ पर प्लेसेंटा के साथ साथ यहाँ पर ब्लड है जो यूट्राइन वॉल में देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर आपको यदि सरफेस की बात करें तो बेबी की जो सरफेस होगी प्लेसेंटा की वो साइनी होगी, मदर की कैसी होगी, यहाँ पर रफ टाइप की होगी. दोनों मैकेनिज्म प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं. तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि यदि प्लेसेंटा सेंट्रल एरिया से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये स्लड्ज मैकेनिज्म. और यदि प्लेसेंटा पेरिफेरल वे से सेपरेट होता है तो इसको कौन सी मैकेनिज्म कहेंगे हम, डनकेन मैकेनिज्म. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का मेन कॉज क्या होगा, ऑप्शन में क्राउप, मर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस. इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा का जो मेन कॉज है वो क्या है, ट्राइकोमोनास. क्या है, ट्राइकोमोनास. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन क्या है, हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज. तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो होता है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. अब यहाँ पर यदि वो आपको ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे, सेक्स एट अर्ली मैरिज. क्या है, सेक्स एट अर्ली मैरिज, जिसके कारण मोस्टली सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे. सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्मियर कलेक्ट किया जाता है, तो वो पैप स्मियर, अरे स्पेकुला यूज़ करके जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस टेस्ट के लिए, पैप स्मियर के लिए. तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का यदि रीज़न पूछा है, कॉज पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो क्या है, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, कम एज में शादी हो जाना और सेक्स करना. नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक. तो एम्ब्रियो है जो फीटस बनेगा तो किस वीक से बनना स्टार्ट होगा, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ या फिर नाइन्थ. तो कंसीव करने से लेके जो नाइन्थ वीक तक का टाइम है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो पीरियड या फिर एम्ब्रियो. लेकिन आफ्टर द नाइन्थ वीक क्या कहलाएगा, फीटल. और डिलीवरी होने तक का जो टाइम रहेगा तब तक क्या कहलाएगा, फीटस. तो यहाँ पर यदि एम्ब्रियो है जो फीटस बनता है तो ये कब बनेगा, तो ये बनेगा नाइन्थ वीक. नेक्स्ट वन इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय. डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड कब है जो सुन सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, 5 to 7 weeks ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12 weeks ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 weeks ऑफ जेस्टेशन, 22 to 24 weeks ऑफ जेस्टेशन. तो कब है जो हम डॉपलर टेक्निक के थ्रू फीटल हार्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में। ये आपको ये मशीन याद रखनी है जो आपको एग्जाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और डॉपलर टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड 10 से 12 वीक में ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपियरेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। स्नो स्टॉर्म अपियरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो आपकी गायनेक से रिलेट करता ही है। यदि आपको इन ऑप्शन की जगह गटी अर्थराइटिस रहे तब आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपियरेंस किस में देखने को मिलेंगे? एब्रप्टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो किस केस में हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे? तो मोलार प्रेगनेंसी में या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी में क्या होगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। इनकेस आपको प्रेगनेंसी और गायनेक्स रिलेट करते हुए ना ऑप्शन रहे, आपको गटी अर्थराइटिस रहे, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। इन्फेक्शन का रिकवरी पीरियड क्या कहलाएगा? डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वल्जेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो इन्फेक्शन का जो रिकवरी पीरियड है वो क्या कहलाएगा? कन्वल्जेंस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको, क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने फेलियर रेट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं किस तरीके से काम करती है, कौन सी मेथड से असिस्ट करेंगे हम? सोशल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो किससे है जो हम असिस करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी इफेक्टिव रही है? तो वो पर्ल इंडेक्स, ये रहा है यहाँ पर फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर कितना फेलियर रेट रहा है, कितने परसेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उसको यहाँ पर किस मेथड के थ्रू है जो चेक किया जाएगा? तो वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। तो यहाँ पर पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 100 वुमेन, एक साल में कितनी 100 में से कितनी वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और जो भी मेथड अपनाई है वो फेल हुई है। तो यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 100। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। तो बेबी में यदि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो कंसीव करने के पहले ही या फिर कंसीव करने के टाइम से ही क्या देना है, स्टार्ट कर देना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अलग अलग टाइप के डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या है जो हम कर सकते हैं, कंसेप्शन के टाइम से ही फॉलिक एसिड देकर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमॉर्डियल या फिर टर्सरी? तो हेल्थ एजुकेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन्स हो गई, ये सब किस लेवल के प्रिवेंशन में आएंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कोई भी डिसीज़ हुई ना हो लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कोशिश हम करेंगे वो क्या है, प्राइमरी में। यदि डिसीज़ हो गई है और हम उसको ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो क्या है, सेकेंडरी में। अब डिसीज़ है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है तो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड बीसीजी वैक्सीन। क्या है, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं, विटामिन के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों वैक्सीन याद रखना है, हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, ओपीवी ओरल पोलियो से प्रिवेंट करने पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर, बीसीजी इंट्राडर्मल और ओपीवी है जो ओरल दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि करंट शेड्यूल की बात करें हम तो ये कब दी जाती हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी का जो एक ही डोज दिया जाता है
और BCG वैक्सीन की खासियत यह है कि 1 मंथ तक अलग डोज होगा और आफ्टर 1 मंथ से 1 ईयर तक डिफरेंट डोज रहेगा, लेकिन 1 ईयर के बाद BCG नहीं दे सकते हैं। OPV का 0 डोज होगा, हेपेटाइटिस बी का भी 0 डोज होगा। तो यदि यहाँ पर बात करते हैं तो अब 6 वीक में, तो 6 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 10 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 14 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, साथ में OPV का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज दिया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर रोटा वायरस भी 6, 10 और 14 वीक्स में दिया जाएगा साथ में। फिर यहाँ पर 5 to 6 में क्या दिया जाएगा, बूस्टर डोज सेकेंड है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम बीक और ड्यूरेशन। तो परपीरियम बीक और ड्यूरेशन कितना होगा, 8 वीक, 7 वीक, 6 वीक या फिर 3 वीक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो परपीरियम पीरियड का मतलब होगा आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का टाइम, क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का जो टाइम है क्या कहलाएगा, परपीरियम पीरियड। और परपीरियम बीक कितना होता है, 6 वीक का, 6 हफ्तों का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी कवर करके रखेंगे फाइन टिनी डाउनी हेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, मोटलिंग, मिलिया लेनिगो या फिर वर्निक सिजोसा। तो क्या कहलाएंगे, जो बेबी की पूरी बॉडी को कवर करके रखेंगे छोटे छोटे हेयर, वो कहलाएंगे लेनिगो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से स्टेप है जो किए जाएंगे, CABT, TABC, ATCV या फिर BACT। तो कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए। यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में ओनली इनिशियल केयर की ज़रूरत होती है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशनरी केयर, लेकिन यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में स्टेप पूछे जाते हैं तो क्या, TABC, फर्स्ट टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या है, टेम्परेचर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, इलियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन स्टोर होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। तो यहाँ पर आयरन का स्टोरेज ड्यूडेनम में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, लेकिन आप आयरन खा खूब रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है और कहाँ पर स्टोर होता है, तो और वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। डायरेक्ट आप आयरन खाएंगे तो उसी फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, आयरन का स्टोर है जो होगा। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे हम जिससे फाइंड आउट होगा, ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरेटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयरन स्टोर होगा, तो आयरन के स्टोर होने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ MALA-D MALA-D का केमिकल कंपोनेंट क्या है। तो माला एन और MALA-D दोनों ही सेम है जो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो यहाँ पर MALA-D और MALA-N में एक डिफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन में है प्रोजेस्ट्रॉन, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, इथेनॉल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन सबकी टिप ऑफ टंग ये होना चाहिए, MALA-D MALA-N हर एक एग्जाम में आपको 2 में से 1 आ जाता है। तो MALA-D और MALA-N यदि आता है तो दोनों का सेम केमिकल कंपोनेंट है, डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथेनॉल एस्ट्रॉइडल। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाई जाती है लो डोज ओरल पिल्स हैं जो MALA-D और MALA-N के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पर यदि इनका लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, कितना लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, और इथेनॉल एस्ट्रॉइडल होता है 0.03 mg। अब यहाँ पर टोटल 28 पिल्स होती हैं जिनमें से 21 OCP पिल्स होंगी और 7 हैं जो ब्राउन कोटेड जो भी पिल्स होंगी, 7 कौन सी पिल होंगी, यहाँ पर फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट होंगी जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा पर टैबलेट। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो MALA-N है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मार्केट में, MALA-D का है जो 3 रुपये तक है जो चार्ज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एक बेसिक बस यही इनमें एक डिफरेंस है कि MALA-N फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सभी PSC, CSC, अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर में, लेकिन जो MALA-D है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो
नहीं रहेंगी, ये 3 रुपए के पर पैकेट से भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा। ऑप्शन है यहाँ पर IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा वो होगा IgA। जो भी म्यूकस होगा, टीयर्स होंगे, उन सब में IgA रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क में IgA होगा। लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। ओनली एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड नोट में लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इन इंट्रायूट्राइन डेथ, यदि बेबी स्टिल बर्थ है, दैट मीन्स यूट्रस में ही डेथ हो गई है, तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर है जो कैसा होगा। ऑप्शन में कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन। यदि बेबी की क्या हुई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है, बेबी यूट्रस में ही डेथ हो गया है, तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूड जनरली कैसा होता है, कलरलेस, क्लियर कलर का होगा, कैसा, क्लियर कलर होगा। लेकिन बेबी की डेथ हुई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है बेबी की, स्टिल बर्थ है बेबी, तो कैसा होगा, टोबैको जूसी। अब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है एमनियोटिक फ्लूड की जो आपको याद कर लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेफ्रॉन कलर, यदि नॉर्मल कलर पूछे एमनियोटिक फ्लूड का तो क्लियर होगा, यदि एमनियोटिक फ्लूड का कलर नॉर्मल पूछे तो क्लियर होगा, लेकिन यदि डिफरेंट एबनॉर्मेलिटी आती है तो यदि सेफ्रॉन कलर का होगा, दैट मीन्स क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी ने अपना पहला मेकोनियम है जो बेबी का क्या है, फर्स्ट पासिंग स्टूल, तो उसके कुछ स्टैंड है प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन कलर है, दैट मीन्स आइसो इम्यूनाइजेशन, क्या है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन की सिचुएशन बेबी में डेवलप हुई है। रेड कलर है तो एब्रप्शन, रेड कलर का मतलब यहाँ पर कुछ भी हेमरेज या ब्लीडिंग हुई है। ब्राउन है या फिर टोबैको जूसी है तो कैसा रहेगा, वो इंट्रायूट्राइन डेथ और स्टिल बर्थ बेबी है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, दैट मीन्स, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स AFI इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या है, AFI इंडेक्स 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम है तो हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड AFI इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर और उससे भी कम है तो क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम दी हुई है। तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर को एबनॉर्मेलिटी पूछें तो आपको ए याद रखना है, और यदि वॉल्यूम को लेके पूछें तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस याद रखना है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूड की एबनॉर्मेलिटी में यहाँ पर वॉल्यूम को बात हो रही है, एमनियोटिक फ्लूड का कितना वॉल्यूम है वो बात हो रही है, यदि एमनियोटिक फ्लूड का लेवल लेस देन 5 जाता है, AFI इंडेक्स 5 से कम जाता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। यदि डीपेस्ट वर्टिकल पूल पूछें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर, करेक्ट, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूड है 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, डीपेस्ट वर्टिकल पूल भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, और जो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन में प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, HCG हार्मोन, क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जनरली हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा कि इनिशियल टाइम पर प्रेगनेंसी में, कब, इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में, मेनली ये 4th मंथ तक रहेगा, देन आफ्टर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होगा प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में आता है कि कौन सा विटामिन दिया जाएगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में ट्रीट करने के लिए, तो वो है विटामिन। प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग है, नोजिया है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, और किसके कारण होगी, तो होगी HCG हार्मोन के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। लेकिन इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, और ये जनरली 4th मंथ तक होगी, देन आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर के बाद है सबसाइड हो जाएगी।
तो यहाँ पर नॉजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन अपनाया जाता है? विटामिन B6 और पायरीडॉक्सिन। डॉक्टर भी यही है जो प्रिस्क्राइब करते हैं पायरीडॉक्सिन और विटामिन B6। इनिशियल प्रेगनेंसी में यदि आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरा में या फिर वॉमिटिंग नॉजिया हो रहा है तो नेक्स्ट थिंग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को यदि ज़्यादा आपको नहीं होता है तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए, ज़्यादा खट्टा मत खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्नैक्स लीजिए, बिस्किट लीजिए, जिससे आप हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की दो लेयर होती हैं, तो यहाँ पर कहा है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरियोन, एमनियोन, योक्सैक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इनर मोस्ट पूछी है तो वो क्या है, एमनियोन। दो सरफेस हमने पहले बताई आपको, फीटल और मैटरनल, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की। अब दो यहाँ पर लेयर की बात हो रही है, तो इनर मोस्ट पूछी है तो एमनियोन, आउटर मोस्ट क्या है, कोरियोन। तो यहाँ पर फीटल सरफेस उस टाइम पर आपको इमेज के थ्रू हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीटल सरफेस साइनी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉटलीडॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो मैटरनल सरफेस है, रही जो रफ सरफेस है, यहाँ पर कॉटलीडॉन्स होंगे 15 से 20, जिसके कारण जो एलिवेट रहेगा और यहाँ पर रफ टाइप से दिखाई देगी, लेकिन जो फीटल सरफेस रहेगा वो कैसा होगा, देखिए साइनी रहेगा, स्मूथ होगा, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। तो यहाँ पर एमनियोन क्या है, इनर मोस्ट लेयर है प्लेसेंटा की, और आउटर मोस्ट पूछें तो कोरियोन। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेसेंटा को लेके। नॉर्मल वेट होता है प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक की कंप्लीटेड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट होगा 500 ग्राम। यदि 500 ग्राम भी आपको ऑप्शन में 1/6 ऑफ द बेबी वेट है तो आप प्लीज़ 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क कीजिए, क्योंकि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। नॉर्मल वेट यदि टर्म प्रेगनेंसी में पूछा तो 500 ग्राम, और बेबी के 1/6 ऑफ द बेबी वेट के अम्बिलिकल कॉर्ड रहेंगी तो टोटल 3 वेसल्स होंगी, 2 आर्टरी 1 वेन। जो कॉर्ड की लेंथ होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की वो कितनी होगी, 50 to 60 सेंटीमीटर। नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में 50 to 60 सेंटीमीटर, एवरेज कहें तो 55 सेंटीमीटर। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप 55 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए। यदि यहाँ पर लेंथ इस तरीके से दी हो कि 50 से 60, तो आप इसको मार्क कीजिए, लेकिन यदि ऑप्शन में 50 से 60 नहीं है, 55 सेंटीमीटर, तो आप उसको मार्क कीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं, एग्जाम में आता है 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, जबकि 1 वेन किसकी सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस या फिर ओविडक्ट में। तो यहाँ पर ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर होगा, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, यूट्रस में। लेकिन जब यदि यही फर्टिलाइजेशन है, जो ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में हो गया, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर यदि इम्प्लांटेशन भी हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में ही, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली ये इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मियर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्मियर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वाइकल स्मियर के लिए यूज़ करेंगे हम, वेंटोस, वैक्यूम, फोरसेप्स या फिर अरेस स्पैटुला। तो मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो ये है यहाँ पर अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट मतलब होगा कि जब आफ्टर 38 वीक के बाद क्या होगा, यूट्रस डाउन साइड आएगा, पहले क्या होगा अबव जाएगा, एक्सिफेस्टर्नम तक जाएगा, लेकिन लाइटनिंग में क्या होगा, यूट्रस है जो क्या होगा, डाउन साइड, फंडल हाइट थोड़ी डाउन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग, और ये क्या है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का मतलब होता है कि जो मदर को बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो, तो जनरली ये 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं मदर को। तो यहाँ पर ये भी आपको एग्जाम में आता है क्विकनिंग, कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। और वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी में, लाइटनिंग। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फॉल्स लेवर पेन भी कह सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे, लेकिन ये फॉल्स लेवर के लिए होंगे, ना कि ट्रू लेवर के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि
जो 10 to 13 ईयर के बीच में जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है जनरली वो आएंगी यहाँ पर, एडोलोसेंट प्रेगनेंसी और टीनेज प्रेगनेंसी। तो इनका कॉज सब होंगे, रीजन सब होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो टीनेज प्रेगनेंसी के कारण सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो अर्ली मैरिज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा, रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तीनों होंगे, क्या होंगे, तीनों रीजन होंगे टीनेज प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो नहीं होगा वो होगी वेल एजुकेटेड फैमिली, जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली होगी ना, तो वो अर्ली मैरिज करेगी बिफोर 21 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स की एज कितनी रख दी है, 21 रख दी है। रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी लिखी फैमिली ये नहीं करेंगी, तो यहाँ पर कॉज सब होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यदि अंडर एज और टीनेज गर्ल की एज पूछी जाती है तो वो है 13 से 17 साल, कितना 13 से 17 साल की एज में जो गर्ल्स प्रेगनेंट होंगी वो टीनेज प्रेगनेंसी या फिर अंडर एज प्रेगनेंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच टाइट फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि ऐसी कंडीशन जिसमें फोर स्किन पेनिस पर क्या होगी, वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या कहेंगे, फिमोसिस, हाइड्रोसील, एम्फोसील या फिर सरकम सीजन। तो फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्ट ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, दैट मीन्स क्या है, फिमोसिस। फिर आता है क्या है, फिमोसिस है, याद रखना इतना है, एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी, याद रखना, फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्टेड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, पूरा याद ना भी हो तो यहाँ पर फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक, पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है वो वापस नहीं जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फिमोसिस। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जनरली सरकम सीजन करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोसील और ओम्फेलोसील, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रो का मतलब हो, हाइड्रोसील का मतलब होगा स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, फ्लूड कलेक्ट होगा टेस्टिकल के सराउंडिंग, तो क्या होगा, स्क्रॉटम में जो स्वेलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसील, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जनरली एक साल की एज के अंदर ही विदाउट ट्रीटमेंट के डिसअपियर हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, फ्लूड, और सील्ड से यहाँ पर मतलब क्या है, स्क्रॉटम के चारों तरफ स्वेलिंग होना, ये क्यों होगी, क्योंकि टेस्टिकल के चारों ओर क्या हो गया, फ्लूड कलेक्ट हो गया है। एम्फेलोसील का मतलब होगा बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वैली वॉल, एम्फेलोसील की इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है, आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, क्या है, स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूड कलेक्ट हो रहा है टेस्टिकल के चारों तरफ। लेकिन ओम्फेलोसील डिफरेंट टर्म है, एम्फेलोसील का मतलब है कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट होना, जिसके कारण इन्फेंट्स के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, क्योंकि एब्डोमिनल वैली वॉल पर क्या है, डिफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑर्गन बहुत ही थिन लेयर से कवर्ड रहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट सैक हो सकता है, ओपन भी हो सकता है कभी भी, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गन दिखाई देंगे, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी अदर ऑर्गन बेली लाइन से चिपके हुए होंगे वो सभी यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ओम्फेलोसील। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ओम्फेलोसील की इमेज याद रखनी है, एग्जाम में मेनली आपको डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चन, आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है कि है क्या। नेक्स्ट वन इज व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड टू ट्रीट फॉर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, तो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंजेक्शन मिथार्जिन आईवी, मसाज ऑफ यूट्रस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता दूं कि एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें इतनी टोन, दैट मीन्स इतनी टोन और पावर नहीं बची है कि वो वापस से क्या हो सकें, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट हो सकें। तो यहाँ पर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मोस्ट कॉमन कॉज है जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है उसके लिए। एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके सभी क्या हो जाएंगे, ट्रीट करने के लिए मेथड मानी जाएंगी। तो एटोनोसिटी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का। यदि एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो वो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, प्राइमरी एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। दूसरा है रिटेंड प्लेसेंटा, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्रस में।
तो यहाँ पर यदि प्राइमरी का पूछे तो एटोनिसिटी है होगा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, और यदि सेकेंडरी पीपीएच का पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और मैनेज कैसे करेंगे हम एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर प्राइमरी ओसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होगा तो कौन सी सेल है जो रिलीज होंगी, तो वो होंगी सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या होंगी, सेकेंडरी ओसाइट्स जो कि इमेच्योर ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी सेल रिलीज हो रही है ओव्यूलेशन में, सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट वन इज और सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर ओवम जिसको हम कहेंगे, तो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फर्स्ट सिक्स वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट सिक्स वीक में कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। ऑप्शन में अम्बिलिकस, डेसिडुआ, प्लेसेंटा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम के लिए, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, डेसिडुआ। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा क्या है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, टेम्प्ररी ऑर्गन होगा जो कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन रखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सिक्स वीक में जो ऑर्गन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवरी से होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन आफ्टर सिक्स वीक की प्रेगनेंसी के बाद। तो फर्स्ट सिक्स वीक तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर सिक्स वीक है जो कौन, ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा, प्लेसेंटा है जो इस हार्मोन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज PGE1 इज ऑल्सो नोन एज, तो PGE1 का दूसरा नाम क्या है, डाइनोप्रोस्टोन, डेनोप्रोस्ट, मिफेप्रोस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल, ये सभी हैं जो गायनिक में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PGE1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, या फिर PGE1 को और किस नाम से हम जानते हैं। तो PGE1 क्या है, ये है मीजोप्रोस्टोल। क्या है, मीजोप्रोस्टोल, जो कि जनरली अवसन के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी यूज़ की जाती है, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या है, यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट वन इज अ वूमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, तो ऐसी लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी, नली पैरा, नली ग्रेविडा, प्रीमी पैरा या फिर मल्टी पैरा। तो ऐसी वूमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी, नली पैरा। क्या होगी, नली पैरा। और नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यहाँ पर नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड दैट मीन्स प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, हो सकता मिड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया हो, लेकिन नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमी पैरा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी पैरा का मतलब होगा मोर देन वन और टू टाइम से भी ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा जुड़ जाता है दैट मीन्स बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा, गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा, गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं क्या है, प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। थ्री टाइप के साइन पढ़े हमने, फर्स्ट आता है प्रिजम्प्टिव जो कि हम प्रिज्यूम करेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसमें एमनोरिया आ जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरे आते हैं प्रोबेबल जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। फिर आते हैं पॉजिटिव जो कि कन्फर्मेटरी साइन है जो प्रेगनेंसी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर गॉडेल साइन का मतलब क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। चैडविक का मतलब होता है ब्लूइश और ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना और सर्विक्स जो कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलाइजेशन के कारण होगा। हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है, हैगर साइन।
और यहाँ पर फिर आता है बलोटमेंट। क्या है बलोटमेंट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी इन विच द यूट्रस इज पुश्ड विथ अ फिंगर टू फील वेदर अ फीटस मूव्ड अवे एंड रिटर्न्स अगेन। तो ये क्या है? बलोटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको दो दिन पहले की क्लास में आप देखिए तो मैंने वहाँ पर आपको WIFS और आयरन एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो बताया था उसमें चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिमेंटल आयरन का कितना अमाउंट होगा एक जो आयरन की टेबलेट होती है मदर को दी जाती है। ऑप्शन में 60 mg, 60 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 50 mg। तो जो एलिमेंटल आयरन होता है उसमें वन टेबलेट में कितना अमाउंट होगा आयरन का, तो वो होगा 60 mg। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या है अम्बिलिकस इंसर्ट है, कहाँ से? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। जनरली सेंटर से होना चाहिए लेकिन ये क्या है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हुई है, तो ये क्या कहलाएगा? बेटल डोर, प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर मार्जिनल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में चारों ऑप्शन में से चार क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन समझिए कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बिलिकस कहाँ से इंसर्ट हुई है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, सेंट्रल पार्ट से होना चाहिए, जो कि कहाँ से हुई है? मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से इंसर्ट हुई है, तो क्या कहलाएगा? वेलामेंटस इंसर्शन। क्या हो गए? वेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से नॉर्मली प्लेसेंटा में कहाँ से होगी? सेंटर पार्ट से, लेकिन ये देखिए मेम्बर्स जो मेम्ब्रेन से ही क्या हो रही है इंसर्ट हो रही है। कॉर्ड कहाँ से इंसर्ट हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन के यहाँ से ही प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही है। दो सरफेस होती हैं फीटल मैटरनल, लेकिन यहाँ पर देखिए बाहरी साइड से ही मेम्ब्रेन से ही अटैच होती हुई इंसर्ट हो रही है कॉर्ड। तो क्या है यहाँ पर? वेलामेंटस इंसर्शन। अब आता है प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन। तो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से? प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से ना लेके जो मार्जिन है, साइड में मार्जिन है, वहाँ से ही इंसर्ट होगी। तो क्या है? मार्जिन। जब यहाँ पर कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होगी? द कॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एज क्लोज टू 2 cm फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब है मेम्ब्रेन से इंसर्ट होती है, तो ये क्या होगा? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है? बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जो कि कंप्लीट 10 cm सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके बेबी एक्सपल्सन की स्टेज है, वो क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही प्रॉपर इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि PPH को भी प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे बेबी की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल। तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरी का पार्ट है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 6 to 10 weeks, 12 to 14 weeks, 16 to 18 weeks या फिर 20 to 25 weeks। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 12 टू 14 वीक्स के, क्योंकि आफ्टर द क्या कौन रिलीज करेगा यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, वो करेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज। प्री टर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 वीक के जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी होगी, वो क्या है? प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा है जो एक सेंसिटिव मार्कर होगा? सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरेटिन, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट और फाइब्रोनेक्टिन दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट भी प्रीटर्म लेबर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्निंग टेस्ट जनरली ओवुलेशन के लिए किए जाते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है, वो क्या है? फाइब्रोनेक्टिन। क्या है?
एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, दैट मीन्स कि बिफोर 37 वीक के भी डिलीवरी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल मार्कर और सेंसिटिव मार्कर हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फाइब्रोनेक्टिन। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज, तो एमनियोटिक फ्लूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मदर्स प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर्स यूरिन। तो जो एमनियोटिक फ्लूड होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, फीटल यूरिन, क्या होगा, फीटल यूरिन। और जो पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीज़न क्या होता है, होता है फीटल डायोरेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि फीटल यदि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीज़न माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइट पर डे इज, तो प्रोजेस्टासाइट क्या है, हॉर्मोनल IUCD है। तो प्रोजेस्टासाइट है जो पर डे कितना हॉर्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, 20 μg, 45 μg, 65 μg या फिर 85 μg। तो प्रोजेस्टासाइट पर डे रिलीज करेगा, ये देखिए डिवाइस है एक IUCD जो कि हॉर्मोनल IUCD है। तो पर डे यदि प्रोजेस्टासाइट की बात की जाए तो पर डे 65 μg करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका, 65 μg, 65 μg पर डे प्रोजेस्टासाइट रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब यहाँ पर टोटल इसमें कितना प्रोजेस्टासाइट में हार्मोन होगा, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD या फिर प्रोजेस्टासाइट, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट कितना रिलीज करती है, 30 μg प्रोजेस्टेरोन इसमें टोटल रहेगा, जिसमें से 65 μg हार्मोन है पर डे रिलीज करेगी। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगी, तो म्यूकस का, थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, स्पर्म ओवम के लिए है जो सर्वाइकल ओस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टासाइट है क्या करेगी, म्यूकस का वहाँ पर थिक प्लग है जो बना देगी। पर डे यदि टोटल पूछें प्रोजेस्टासाइट में तो 38 μg, पर डे रिलीज पूछें तो 65 μg। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है इसमें, तो वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर्स एक्सेप्ट, तो सभी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं किसी एक को छोड़कर, ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा या फिर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, मीजो नेफ्रॉइड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं यहाँ पर, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस, इनके नाम आप याद रखें वही काफ़ी हैं आपके लिए, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड मिक्सड फॉर्म्स। लेकिन मीजोडर्मल के नाम आप याद रखेंगे, जिसको हम एपिथीलियल ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो जर्म सेल का मतलब है यहाँ पर ऐसे ट्यूमर्स जनरली, और यहाँ पर मीजोनेफ्रॉइड पूछें तो एपिथीलियल ट्यूमर की जो जनरली कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अनकॉमन ट्यूमर ऑफ ओवरी और हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉस्कोविट्स रिपेयर इज डन फॉर, तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज किया जाएगा, बॉल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील, क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस। तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज़ किया, दैट मीन्स ट्रीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किया जाएगा, तो ये कंडीशन होगी एंटेरोसील, क्या होगी ये, एंटेरोसील और स्मॉल बाउल प्रोलैप्स, जो कि एक पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जिसको हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोलैप्स के टाइप दिए हुए हैं। तो जब यहाँ पर नॉर्मल एनाटॉमी इस तरीके से होगी, यहाँ पर फर्स्ट इमेज देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेक्टोसील, एंटेरोसील और सिस्टोसील। तो यहाँ पर जो एंटेरोसील है इसमें क्या होगा कि जो पेल्विक ऑर्गन है, एंटेरोसील में पूरे बाउल प्रोलैप्स या फिर पेल्विक ऑर्गन है, कहाँ पर प्रोलैप्स होते हैं, वेजाइना में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटेरोसील। अब यहाँ पर यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होता है वेजाइना में, तो यूरिन लीक होगी वेजाइना के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टोसील। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेज देखिए ध्यान से, कि यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होगा वेजाइना में तब हम इसको कहेंगे सिस्टोसील, यदि यहाँ पर जो रेक्टम प्रोलैप्स होगा वेजाइना में उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टोसील, यदि पूरी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है, वूम्ब यूट्रस प्रोलैप्स होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको।
तो यहाँ पर जो मॉस्को बिट्स रिपेयर है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो जो भी यूरेटर के यहाँ पर जो भी ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं उनको स्टिच करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की कितनी होती है, 10 लूनार मंथ, 280 डेज, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी माने जाते हैं, क्या हैं, ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के सभी माने जाते हैं कि 10 लूनार मंथ, दैट मीन्स कि जो आप मंथ कैलकुलेट करेंगे वो होंगे 280 डेज, जब माने जाएंगे जब हम फोर वीक करके जो मंथ काउंट करेंगे यहाँ पर, फिर 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब एग्ज़ाम में आपको जी टी पैल स्कोरिंग पूछी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जी डिनोट करेगा ग्रेविडा को, दैट मीन्स वुमेन कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, टी रिप्रेजेंट करेगा कि टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई, आफ्टर 37 वीक के बाद कितनी डिलीवरी हुई है, तो वो किस में आएंगे, टर्म प्रेगनेंसी में, बिफोर 36 वीक और आफ्टर 20 वीक के बाद जो डिलीवरी हुई है वो किस में आएंगे, प्री टर्म में। अबॉर्शन का मतलब है कि कितनी प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही क्या हो गई हैं, या तो अबॉर्शन हो गए हैं या फिर टर्मिनेट हो गई हैं, कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं, अभी जिंदा बच्चे हैं लिविंग हैं, तो वो क्या है, एल में। तो क्या होगा, जी टी पैल स्कोरिंग में आपको यदि G2 दे दें, दैट मीन्स ग्रेविडा 2 टाइम्स, T1 दे दें तो एक टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है पहले, प्रीटर्म P1 दे दें, 2 दे दें, दैट मीन्स प्रीटर्म प्रेगनेंसी, अबॉर्शन में 0 कर दें, दैट मीन्स कभी अबॉर्शन नहीं हुआ है, यदि प्रीमी पैरा है, प्रीमी ग्रेविडा है, तो L में 0 कर दें, तो क्या होगा, लिविंग बच्चे अभी उसके नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज नेगल्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ ईडीडी कैलकुलेशन, तो जनरली नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर ईडीडी का करेक्ट फार्मूला क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर, एट 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी एंड सब्सट्रैक्ट 3 मंथ, एट 3 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी एंड सब्सट्रैक्ट 2 मंथ, एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और एलएमपी का फर्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला मेनली यूज़ किया जाता है, और इसका फार्मूला क्या है यहाँ पर, एड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी का मतलब होता है कि जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ है उसका पहला दिन, मान लीजिए आपको डेट दी जाती है, आज है 28 है आपके पीरियड्स, या फिर जिस भी लेडी को अपना ईडीडी कैलकुलेट करना है, तो 28 तारीख है यहाँ पर आज, तो 28 प्लस 7 डेज और उसमें से 3 महीने रिट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी वाज नवंबर 1st एंड ईडीडी आपको निकालना है, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट नेगल्स फार्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी कि एलएमपी है 29th या फिर 28, कोई भी डेट दे देंगे, फिर आपको नेगल्स फार्मूला यूज़ करके वह जो ईडीडी कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोल ओवर टेस्ट इन प्रेगनेंसी परफॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ विच कंडीशन इन मदर, रोल ओवर टेस्ट प्रेगनेंसी में मदर में कौन सी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा, डायबिटीज मलाइटिस, एक्लेम्सिया, यूट्राइन प्रोलैप्स, या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन, रोल ओवर टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी में, तो क्या कंडीशन डायग्नोस करने के लिए होगा मदर में, एक्लेम्सिया के लिए। रोल ओवर टेस्ट सिंपल और इजीली क्लिनिकल टेस्ट है, जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए किया जाएगा। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया दोनों टर्म आपको पता होंगे, लेकिन इसका बेसिक माइनर सा डिफरेंस आपको बता दें, तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है तो ये भी देख लीजिए। तो एक्लेम्सिया में कभी भी प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जन नहीं आते हैं, एक्लेम्सिया एक जो इनके बीच का एक जो डिफरेंस है वो यही है, और इनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो क्या है, MgSO4 मैग्नीशियम टॉक्सिटी, और क्यों दी जाती है, एक्लेम्पिक फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए, यदि इसका ओवरडोज होता है तो MgSO4 के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए फिर क्या दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। छोटे से टर्म्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यदि इनके डेंजर साइन पूछते हैं
इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया के, तो हेड एक, ब्लड विजन, अपर एब्डोमिनल पेन। लेकिन इनमें प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर है जो रहेगा, मेन इनके साइन है। इनके बीच का डिफरेंस पूछते हैं, इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है। तो प्री इक्लेम्सिया में कभी भी कन्वर्जन और जो एक्लेम्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगे प्री इक्लेम्सिया में, लेकिन इक्लेम्सिया में आएंगे। अब MGSO4 टॉक्सिटी को चेक करने के लिए कि ओवरडोज हुआ है या नहीं, क्या यूज़ किया जाता है, बर्फ टेक्निक, BURP बर्फ टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यूट्राइन आउटपुट डिक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रही है, पैटलर रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर बर्फ यदि पूछा जाता है कि बर्फ टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की MGSO4 की टॉक्सिटी हुई है या नहीं उसके साइन चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन एक्सेप्ट। तो एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन कब आएंगे, एक्लेम्सिया की सिचुएशन में, हाई ब्लड प्रेशर होगा प्रेगनेंसी में तब। तो ये सभी स्टेज होंगी एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन की किसी एक को छोड़कर, प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज या फिर प्री मॉर्बिड स्टेज। तो एक्लेम्प्टिक कन्वर्जन की सभी स्टेज होंगी किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगी, प्री मॉर्बिड स्टेज। यहाँ पर ये देखिए, प्री मॉनिटरी होगा, टॉनिक होगा, क्लोनिक होगा और स्टेज ऑफ कोमा, चार स्टेज होती हैं। प्री मॉनिटरी स्टेज जिसमें पेशेंट अनकॉन्सियस होगा, मसल ट्विस्टिंग होगी, टंग लिम सभी ट्विस्ट होंगे, आई वॉल्स है जो एक साइड या फिर दोनों साइड फिक्स्ड हो जाएंगी और ये कम से कम 30 सेकेंड तक रहेगी। टॉनिक में बॉडी में ट्रंक ऑफिस्टोटोनस जिसको हम कहेंगे वो देखने को मिलेगा, लिम्स और हैंड पूरे क्लेंच हो जाएंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, आई वॉल्स फिक्स रहेंगे और ये भी 30 सेकेंड के लिए रहेगी। फिर आती है क्लोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज मोर कितने, 1 से 4 मिनट के लिए रहेगी और इसमें साइनोसिस धीरे धीरे चला जाएगा और लास्ट आती है कोमा की स्टेज। नेक्स्ट वन इज द सेबेसियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेट इन नॉन प्रेगनेंट स्टेज बिकम्स हाइपरट्रॉफिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेबेसियस ग्लैंड जो नॉन प्रेगनेंट स्टेज में क्या है, नॉन डोमिनेंट है, दैट मीन्स उतनी फंक्शनिंग में नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिलरी टेल, सेकेंडरी कोलाज्मा, फिर मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। तो सेबेसियस ग्लैंड नॉन प्रेगनेंट स्टेज में नॉन डोमिनेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो ये क्या है, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल इस तरीके से जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स रहेंगे एरियोला के चारों तरफ जो कि सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे, तो ये क्या है यहाँ पर, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। स्टीरिया ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी में होने वाले इस तरीके से। लाइना नियाग्रा क्या है, जो ब्लैक लाइन होती है, क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई है ये आप याद रखें इस तरीके से, इमेज देख, स्टीरिया ग्रेविडेरम है और जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है जो कि सरफेस एरिया को कम करेगी इस प्लेसेंटल साइट पर और प्लेसेंटा सेपरेट होगा, यूटराइन डायलिटेशन, रिट्रैक्शन, एफासमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होगी जिससे सरफेस एरिया कम होगा और प्लेसेंटल साइट से और प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो पाएगा, तो वो होगी रिट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, व्हेन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द सेंटर इट इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दोनों मेथड पढ़ाई है, पेरिफेरल और सेंट्रल रीजन से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंट्रल पार्ट से यदि प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो कौन सी मेथड होगी प्लेसेंटल सेपरेशन की, डनकेन मेथड, स्लड्स मेथड, नेगल्स रूल या फिर जॉन्स मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड होगी प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से सेपरेट हो रहा है तो वो होगी स्लड्स मेथड, और यदि यही पेरिफेरल वे से क्या होता सेपरेट होता तब हम कहते हैं इसको मैथ्यू। तो यहाँ पर डनकेन मेथड कहेंगे कब, जब पेरिफेरल वे से सेंटर पार्ट पेरिफेरल रीजन से इस तरीके से होता, लेकिन ये सेंटर पार्ट से हो रहा तो क्या स्लड मेथड। यहाँ पर साइन यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के 3 मोस्ट कॉमन साइन होते हैं एग्जाम में दिए जाते हैं, क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आता है,
यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन कौन से हैं, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोबुलर, यूट्रस राइजेस इन द एब्डोमन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूट्रस डाउन साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, तो यूट्रस कहाँ पर जाएगा, एब्डोमन की साइड, राइज होगा ऊपर की तरफ। गस ऑफ द ब्लड क्या है, सभी गोल्डन और क्लिनिक सॉरी गोल्डन साइन है किसके, प्लेसेंटा सेपरेट होने के। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज, तो प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस, कौन सा स्ट्रक्चर पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन प्रोड्यूस करने में प्रेगनेंसी में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।